हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके लेके आए हैं ओ फ्रेश डीएक्स आई ड्रॉप का फुल रिव्यू। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ठीक से डिटेल मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों बात की जाए ओ फ्रेश डीएक्स ड्रॉप की, तो इसे जो स्मार्ट लेबोरेटरीज बनाती है, बात की जाए इसके कंटेंट्स की, इसमें बेटामिथासोन और ओ फ्लोक्सासिन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, एक जो है स्टेरॉयड है, एक एंटीबायोटिक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक तरफ से आप कह सकते हैं कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, आई में ईयर में, तो उससे जो है हीलिंग दिलाने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि नॉर्मली इन्फेक्शन वगैरह हो गए है, ठीक है, जिनकी वजह से जो है आप कह सकते हैं आँख में पेन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इचिंग वगैरह हो रहा है, आँख लाल हो गई है और रेडनेस वगैरह हो गया है, सोरनेस हो गया है, वाटरी आइज हो रहा है, ठीक है, और या तो फिर कभी कुछ भी आप कह सकते हैं कि कान से जो है कचरा बहुत निकल रहा है, या फिर पस वगैरह कुछ निकल रहा है, या फिर कोई भी मतलब ऐसा टाइप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसका कोई ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन साइड रिएक्शंस, यानी कि जहाँ पे आपने आपको इसने यूज़ किया है, जैसे कि आँख पे या कान पे, वहाँ पे जो बर्निंग सेंसेशन या फिर इरिटेशंस वगैरह जो है ये दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप जो है जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, और इसे लेने से पहले भी आप जो है अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करके लिए तो वो जो है बेहतर होगा, क्योंकि आई और ईयर के लिए जो है आप ऐसे ही कोई भी मेडिसिन ना ले लीजिए। ठीक है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के जो है बाद लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, कोई हम भी कोई भी आपको मेडिसिन वगैरह रिकमेंड नहीं करते, आप जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर सलाह के बाद ही जो है कोई भी मेडिसिन ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।